इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 10 फरवरी 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, भारत और विश्व इतिहास में 10 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। कैरियर कॉर्नर, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। यूपीएससी सहित अन्य विभागों में निकली नौकरियां। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर होगी। 9.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, सबसे ज़्यादा जयपुर से। सामाजिक में ओबीसी के 1.25 लाख अभ्यर्थी किसी भी विषय में एक कैटेगरी में सर्वाधिक, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। भास्कर स्पेशल न्यूज, बजट आज 10 फरवरी। बजट आज, प्रदेश में 3,40,000 पद खाली, 1 लाख नई भर्ती की घोषणा संभव। टाइम बाउंड प्रमोशन और वेतन विसंगति दूर करने की डिमांड हो सकती है पूरी। कौन कौन सी भर्तियों की घोषणा होने की संभावना। 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों का ऐलान संभव। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार 1 लाख से ज़्यादा नई नौकरियों का ऐलान कर सकती है। सबसे ज़्यादा भर्तियां मेडिकल सेक्टर से होगी। विभिन्न विभागों में सरकार को 1,41,000 खाली पदों की सूचना मिली है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर, डबल NM, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट के करीब 15,000 से ज़्यादा पद, मेडिकल एजुकेशन व LDC जूनियर अकाउंटेंट के भी पद खाली है। ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी लंबे समय से नहीं हो पाई है। यूथ के लिए अब तक 15,000 को फ्री कोचिंग अम्बेडकर DBT योजना में, आरक्षित वर्ग के बच्चों को हर महीने 2,000 की आर्थिक सहायता। 4 साल में 1,43,000 नौकरियां दी, 1 लाख प्रक्रियाधीन और 1 लाख नौकरियां और देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा। परीक्षा निरस्त होने पर आवेदन शुल्क वापस। EWS में अचल संपत्ति की शर्त हटाई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी नई थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की घोषणा होगी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, राजस्थान पत्रिका RPSC। परीक्षा 12 से 15 फरवरी। RPSC साक्षात्कार 20 फरवरी को। CGL परीक्षा को लेकर बड़ी न्यूज, पदों की संख्या में हुआ इजाफा, अब भरे जाएंगे 37,409 पद। Tier 2 की तिथियों की हुई घोषणा। राज्य के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय ले सरकार। तिवाड़ी बजट में नौकरियों में राज्य के युवाओं को आरक्षण देने की मांग, श्री माधोपुर। भास्कर स्पेशल बजट में ये घोषणाएं भी हो सकती है। शिक्षा विभाग, नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। स्कूलों में लैब खोले जाएंगे। नए खोले गए और प्रमोट हुए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की घोषणा और स्कूलों में खाली पद भरने की घोषणा। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर होगा। RPSC 2015 में चयन और काउंसलिंग, फिर भी नियुक्ति नहीं दी। बांसवाड़ा
भास्कर न्यूज। दो पारी के लिए 26,840 अभ्यर्थी पंजीकृत। समान पात्रता परीक्षा का तीसरा चरण कल से। राजस्थान पत्रिका टोंक। सीईटी परीक्षा 11 को। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। अजमेर में हॉस्पिटल केयरटेकर परीक्षा आज। टेक्सटाइल ड्राइंग एंड पेंटिंग के साक्षात्कार 20 को। आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। राज्य के 5 जिलों में खुले 43 नए गवर्नमेंट स्कूल, इनमें सबसे अधिक 16 बीकानेर जिले में। कोटा युवा शिक्षा अवसर। 30 साल से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं, नतीजा प्रदेश के 458 कॉलेजों में से केवल 27 में ही। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय न्यूज। जयपुर युवा शिक्षा अवसर। चित्रकला की प्रायोगिक परीक्षा 18 तक पूरी करवानी होगी। परीक्षा पारदर्शिता पर उठे सवाल। एक सरकारी परीक्षक को मात्र 11 दिनों में 30 स्कूलों में करवाने होंगे बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में बैठेंगे 2,50,000 अभ्यर्थी। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा। सीबीएसई के प्रैक्टिकल आंतरिक मूल्यांकन 14 तक। राजस्थान पत्रिका न्यूज। सीबीएसई बोर्ड अजमेर। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि 15 फरवरी। जवाहर नवोदय विद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में बालिका दुरस्त शिक्षा योजना 2022-23 के तहत 30% प्रवेश बढ़े। इग्नू फीस पुनर्भरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आगामी शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों को सिली हुई यूनिफॉर्म व स्कूल बैग दिए जाए। राजस्थान शिक्षक संघ। अंग्रेजी माध्यम में हिंदी माध्यम की शिक्षा का भी विकल्प मिले। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण और उप प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा की मांग। नीट यूजी 2023 नवज्योति कोटा। गार्गी पुरस्कार। 8वीं तक के 14.85 लाख विद्यार्थियों के सत्यापन अटके। सिलाई के रुपए नहीं मिले। सिलाई पर उधेड़बुन। भास्कर न्यूज अजमेर स्पेशल। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से श्रीगंगानगर। भास्कर 2 साल से पहले व टीएसपी क्षेत्र से बाहर तबादले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक। बांसवाड़ा भास्कर। नए शिक्षा सत्र से राज्य में शुरू होंगे वर्चुअल स्कूल। अब घर बैठे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकेंगे स्टूडेंट्स। बीकानेर शिक्षा विभाग।